बीएचयू में एडमिशन पाने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए एक तो अच्छी खबर है और दूसरी एक बुरी खबर भी मैं इस वीडियो के साथ में लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं अच्छी खबर से स्टार्टिंग करता हूँ। तो अच्छी खबर यह है कि बीएचयू ने अपना 6th राउंड का कट ऑफ निकाल दिया है। जिन लोगों को भी 6th राउंड में कोर्स अलॉट हुआ है उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और 6th राउंड के कट ऑफ 1-2 नंबर गिरे हुए हैं पिछले राउंड से। वहीं अगर एक बुरी खबर की बात करें तो इस राउंड में जो FMC की सीटें हैं वो लगभग काफी कम आवंटन की गई हैं। इसका मतलब है कि FMC की जो सीटें हैं 95% या 98% सीटें लगभग भर चुकी हैं। कुछ चुनिंदे कोर्सेज में ही FMC में सीटें अलॉट की गई हैं 6th राउंड में। ज़्यादातर जो कोर्सेज हैं उसमें ज़्यादातर एफिलेटेड कॉलेज के कोर्सेज को अलॉट किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो FMC की सीटें हैं लगभग भर चुकी हैं। कुछ चुनिंदे ऐसे कोर्स हैं, कुछ चुनिंदे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ही सीटें बची हुई थी जो 6th राउंड में आवंटित कर दिया गया है। अगर वो भी सीटें भर जाती हैं तो 7th राउंड में शायद ही कोई कोर्स FMC का देखने को मिले। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। जिनको भी आगे आवंटन होना है शायद FMC के कोर्स आवंटित ना हो। आवंटित का मतलब होता है एलोकेट। मैंने ज़्यादा ही हिंदी बोल लिया क्योंकि आप अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आप भले ही अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं, इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, पर आप यहाँ पे एक हिंदी, अच्छा खासा हिंदी बोलना ज़रूर सीख जाएंगे। तो वही प्रभाव शायद मुझ पर भी पड़ा हुआ है। और मैं भी जब कैमरे के सामने रहता हूँ तब तो भाई मेरे सामने हिंदी ही निकलता है, वो भी शुद्ध हिंदी। खैर, बाकी बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। जिनको भी कोर्स अलॉट हुआ है वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। हैव अ गुड डे। बाय बाय, टेक केयर।